इतनी जल्दी वो बिछड़ जाएगा सोचा भी न था। इतनी जल्दी वो बिछड़ जाएगा सोचा भी न था। इतनी जल्दी वो बिछड़ जाएगा सोचा भी न था। मैंने जी भर के अभी तो उसे देखा भी न था। मैंने जी भर के अभी तो उसे देखा भी न था। मेरे कुछ भाई इधर बैठे हुए मुसलसल हंस भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, या तो शायरी सुनने नहीं आए हैं वो, या फिर उनकी समझ तक मेरे शेर पहुंच नहीं रहे हैं। बहरहाल मैं मुअद्दबाना गुजारिश करती हूँ उनसे कि आप सभी लोग अगर शिरकत करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। मोहतरमा निखत अमरोही साहबा, ये मालूनी है, यहाँ पर बहुत ही सुखद पहम लोग रहते हैं और एक एक शेर पर ये लोग दाद देना चाहते हैं। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मेहमान का इस्तकबाल ऐसा कर दीजिए, लगना चाहिए हमेशा याद रहे कि मेजबान हो तो मालूनी के जैसा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग ताली बजाने से, क्योंकि ताली बजाना हमारे नस्ल की पहचान नहीं है, आप जहाँ तक हो सके वाह वाह कर सकते हैं, मुझे अपनी दुआएं दे सकते हैं, तो अगर आप सुबह अल्लाह वाह वाह करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ कि कोई मंजिल भी न थी उसकी गली से आगे, कोई मंजिल भी न थी उसकी गली से आगे, मेरी आंखों में किसी और का चेहरा भी न था। मेरी आंखों में किसी और का चेहरा भी न था। सलामत रहिए आप सब लोग। शेर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन, कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन, उसको खुद अपनी मोहब्बत पे भरोसा भी न था। मेरे दोस्त अल्ताफ जिया की भी मुझे दुआएं नसीब हुई, खुशबुरामपुरी साहिबा की भी। मैं पढ़ती हूँ, शेर का दोबारा से हुक्म हुआ है। कि कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन, कैसे आ जाता उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन, उसको खुद अपनी मोहब्बत पे भरोसा भी न था। ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की, कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की, मैंने बिखरे
मेटा भी न था, मैंने बिखरे हुए सपनों को। बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ती हूँ। कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की, कैसे उम्मीद करूं उसके पलट आने की, मैंने बिखरे हुए सपनों को समेटा भी न था। और मक्ता बतौर खास आपकी अदालत में पेश करती हूँ, समाप्त कीजिएगा, कि उसने छोड़ा था जहां मुझको वहां से नकहत, उसने छोड़ा था जहां मुझको वहां से नकहत, मेरे घर लौटने वाला कोई रास्ता भी न था, मेरे घर लौटने वाला कोई रास्ता भी न था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मैं पढ़ती हूँ। उसने छोड़ा था जहां मुझको वहां से नकहत, उसने छोड़ा था जहां मुझको वहां से नकहत, मेरे घर लौटने वाला कोई रास्ता भी न था। अगर इजाजत हो तो एक गजल और पढ़ूं। मैं गीत पढ़ती हूँ, मुझे गीत का हुक्म हुआ है तो मैं गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मोहतरमा रजा अहमद जो कि आपकी पुकार के मुदीर है, एडिटर है, उनका हुक्म है कि गीत पढ़िए, आपको पेमेंट भी लेना रहेगा, उनका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। देखिए नाज़िमे मुशायरा साहब, पेमेंट की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जिन्होंने पेमेंट नहीं देखा हो, और मुझे उम्मीद है रजा भाई वो शख्सियत हैं कि वो किसी का पेमेंट नहीं रोकते हैं, तो वो मेरे अकाउंट में पहले ही आ चुका है। मैं पढ़ती हूँ, आप सभी का साथ चाहती हूँ, गीत का हुक्म हो रहा है मुझे, सुनिएगा। मैडम आप किसी का, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। बंद समाप्त कीजिएगा, बंद पढ़ती हूँ, कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भावरा, फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अयारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। ऐसा लगता है कि दाहिने बाजू वाले और जितने लोग बीच में हैं इनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, इधर की कुर्सियों पर तो ऐसा है कि जैसे कि गुलदस्ते सजा दिए गए हों, बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली है, और पीछे वाले तो ऐसे हैं कि अल्लाह जिन्हें कुर्सी दे देता है उन्हें खामोश कर ही देता है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आप कुछ बोलिए तो ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सुनना चाह रहे हैं।
पढ़ते हुए सुनिएगा। तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है, तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। वो एक कमजोर दिल की लड़की सड़क पे तन्हा भटक रही है। तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। यहां से बंद पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि है अजनबी शहर सब पराए, खबर नहीं कुछ किधर को जाए। है अजनबी शहर सब पराए, खबर नहीं कुछ किधर को जाए। कदम थकन से लरज रहे हैं और आग दिल में भड़क रही है। तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। यहां से ये बंद भी बतौर खास पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इरशाद अली के भुला दिया आफियत न पूछी कभी कोई खैरियत न पूछी। भुला दिया आफियत न पूछी कभी कोई खैरियत न पूछी। तुम अपनी खुशियों में खो रहे हो, यहाँ मोहब्बत सिसक रही है। तुम्हारे घर का पता नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, एमए प्लस बीएड, एंड पीएचडी प्रीवियस ईयर। जितने लोग यहाँ बैठे हुए मुझसे ये बात कह रहे हैं कि आप जाके अपनी नशिस्त ले लीजिए, उनके कहने से तो मैं इतनी जल्दी जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि उन जैसे मुझे सुबह शाम मिला करते हैं। यहाँ पे जो मोतबर समाते हैं, महज़ब लोग बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए शायरी पढ़ रही हूँ, और बहुत दूर से बहुत लंबा सफ़र करके यहाँ आई हूँ। और जितना वक्त आपको यहाँ तक आने में लगेगा, मुझे शायद मिनट लगेंगे आप तक पहुँचने में, मगर आपको सदियाँ गुजर जाएंगी जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ। मैं आप सभी को अपना आइडियल मानती हूँ, आप सब मेरे अपने हैं, आप सभी की दुआओं का नतीजा है कि जो मुझे आज ये बुलंदी, ये मुकाम मुझे मिला हुआ है। और जो लोग ये समझते हैं कि इस दायरे से हटना चाहते हैं, तो बतौर ख़ास मेरी उनसे गुजारिश है, मैं इल्तमास करती हूँ, उनसे गुजारिश करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि वो बराए मेहरबानी जब तक मैं पढ़ रही हूँ वो यहाँ से उठें और बाहर चले जाएं, क्योंकि मुझे ऐसे सामयीन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सब मेरी तायद करते हैं तो शायद तालियां बजाकर मुझे इसका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं उधर देख रही हूँ, मेरे भाई बहुत देर से हंस रहे हैं, पता नहीं मैंने कोई हंसी की बात नहीं कही, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया है, मगर शायद हो सकता है कि उन्हें इल्मी तहजीब और इल्मी महफिल, अदबी महफिल का उन्हें शायद शऊर भी नहीं है, माजरत के साथ, क्योंकि अगर आपको शऊर होता तो शायद आप बिना झिझक हंसते नहीं, शायद आपके शिकन नहीं आती चेहरे पे। क्योंकि अगर हो सकता है कि घर में इंसान अपनी माओं बहनों को देखता है, तो हम स्टेज पे जो शायरात हैं, अगर हमें भी उस नज़रिए से देखा जाए तो आप वो हरकत ना करें जो बहुत देर से कर रहे हैं। माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे सबके सामने ही, मगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे बाद मुशायरे के आप यहाँ रोक सकते हैं, डरती मैं किसी के बाप से नहीं हूँ। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शेर भी भूल गई कि तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। एक मुशायरे का शेर इसमें हुआ है, मैं पढ़ती हूँ। कि वो एक सहमी हुई हसीना तमाम चेहरे पे है पसीना, वो एक सहमी हुई हसीना तमाम चेहरे पे है पसीना। जो उसके दिल की है बेकरारी वो उसके रुख से झलक रही है।
तुम्हारी का पता नहीं है, तो पूछने में झिझक रही है। एक गजल और पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं और मुझे बहुत फख्र हासिल होता है इस बात को बताने में। आप अदबी लोग, अदबी समाते और ये अदब की महफिल। मैं एक बहुत रईस ख़ानदान से हूँ, बहुत रईस ख़ानदान की पोती हूँ, सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज रिजवी साहब नहीं है, मैं सोच रही थी कि शायद दो सैयद एक जगह होंगे, मगर इत्तेफाक मेरी बस किस्मत ही कि वो है नहीं, आप भी सैयद हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। एक दौर वो आया कि जिस दौर से गुजरी और जिस दौर में मैंने आंखें खोली और जिस दौर में मैंने परवरिश पाई, मैंने अपने माँ बाप को मेहनत करते हुए देखा। ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं, मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत की कि मैंने एक साल सेवेंथ ईयर्स मेरी बिना कोर्स के मैंने, बिना किताबों के मैंने तरबियत हासिल की। मैं जितनी शायरी करती हूँ अपने ऊपर करती हूँ, मेरे शायरी का मौजू कोई और नहीं होता है। मैं मुफलिस बाप की बेटी, एक मेरी छोटी गजल है जो कि आप तक पहुँच चुकी है। मैं चाहती हूँ यहीं से वो माहौल बन जाए, क्योंकि मेरे बाद अल्ताफ ज़िया को पढ़ना है और वो भी शायरी के हवाले से ही आपसे बात करेंगे। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अब बराए मेहरबानी इस गजल को ऐसे सुन लीजिएगा कि जैसे कि आप पहली बार सुन रहे हैं। ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगी मैं, सुनिएगा। चाचा जान बैठ जाइए आप, इरशाद है, सुनिएगा। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगर, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगर, मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। मेरा कटा। आप लोग भी शिरकत कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने बहुत दूर का सफर किया है, बाद में भी हंस सकते हैं। मैं शेर पढ़ती हूँ बतौर खास, बहुत से वालिदैन यहाँ पर बैठे हुए हैं, समाप्त कीजिएगा। कि मेरा बचपन कटा क्या कहूं, क्या कहूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने मजबूर है। क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। मेरा बचपन कटा। और ये शेर भी पढ़ती हूँ माँ के हवाले से, समझ लीजिएगा। मेरी बड़ी बहन खुशबू रामपुरी साहिबा यहाँ बैठी हुई हैं, खुशबू आंटी बोलती हूँ मैं उन्हें, माँ का दर्जा देती हूँ, उनके हवाले से आप तक पहुँचाती हूँ। समाप्त कीजिएगा, ये इस तरह से सुन लीजिएगा कि लोग मुफलिस की बात को हंस के सुनते हैं, वो रो के सुनते हैं और उसको बाद में हंसी उड़ाते हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि आंसुओं पे मेरे मुस्कुराए कोई, किस में हिम्मत जोंगली उठाए कोई। आंसुओं पे मेरे मुस्कुराए कोई, किस में हिम्मत जोंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। दुआएं मेरे साथ है, सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। मेरा
बचपन कटा। गजल का आखिरी शेर, आप सभी की जहमत है तमाम समाप्त कीजिएगा कि जब मुफलिस बाप की बेटी होती है तो बहुत कुछ सोच समझ करके कदम उठाने पड़ते हैं। मेरी क्या सोच है मैं बयान करती हूँ, आपके सामने रखती हूँ कि ताज महलों का कोई इरादा कहा, मेरी मंजिल कोई शाहजादा कहा, ताज महलों का कोई घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही मैं घुट घुट के मर जाऊंगी, मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं, झोपड़ी ही मैं घुट घुट के मर जाऊंगी, मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं, मेरा बचपन कटा। और मक्ते का शेर, एक अदना सी शायरा आता कीजिए, आप सबकी अपनी बेटी बहन जो भी आप समझे, एक बाप के हवाले ये शेर करती है। अगर शेर किसी लायक हो तो आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ और ढेर सारी तालियां देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिएगा, क्योंकि मैं आखिरी शेर जब तक पढ़ती रहूंगी जब तक पूरा मजमा तालियां बजा कर मुझे विदा नहीं करेगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा, आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, मेरा बच्चे। पढ़ती, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस शेर को सराहा। सुनिएगा। कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा, आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की